हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास मतलब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब हम एक डेड फोन आता है हमारे पास, एक डेड फोन हमारे पास रिपेयर होने के लिए आता है, उसको हम जैसे ही डीसी से लगाते हैं, ठीक है, तो नो ऑटो एम्पियर, कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है। इसका मतलब है उसमें कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। बाहरी साइड में हो सकता है ऑडियो साइड वगैरह में कहीं पे शॉर्टिंग हो, हल्की सी माइनर शॉर्टिंग जो कभी कभी शो नहीं करती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीरो कंजप्शन के बारे में। आपने जैसे ही फोन को, एक डैड फोन को डीसी से लगाया और पावर की को प्रेस किया, तो कोई भी एम्पियर कंज्यूम नहीं कर रहा है। पावर की बटन दबाने पर भी कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है और ना ही ऑटो एम्पियर ले रहा है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके एक फोन के अंदर, और क्या कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप उस फोन को बनाना होगा, ठीक है। ये तो मैं बताऊंगा आज की वीडियो में आपको, ठीक है, सिखाऊंगा। और इसके बाद में आज मैं जीरो कंजप्शन पे आपको दूंगा, कल लो बूटिंग पे दूंगा और परसों हाई बूटिंग पे यानी डीसी रीडिंग पे कंटिन्यू 3-4 वीडियो आपको देने वाला हूं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और एक एडवांस बात बताने वाला हूं, वो ये है कि आप बहुत ही कम फीस में, मात्र 2786 रुपए में, आप एक एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, कांटेक्ट कीजिए और अपना एडमिशन करा लीजिए, ठीक है। फ्रॉडों और दलालों से सावधान रहिएगा, ठीक है। बहुत सारे फ्रॉड बैठे हुए हैं, इसलिए मैं तो चैलेंज करता हूं कि पहले आप हमसे क्लास लीजिएगा, उसके बाद अमाउंट पे कीजिए। अगर अच्छा लगे तो अमाउंट डालिएगा, वरना अमाउंट मत डालिए, ठीक है। तो आप क्या है, हमसे अपना एडवांस क्लास बुकिंग करा सकते हैं। क्लास शुरू होने वाली है तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। वीडियो को अब हम शुरू करते हैं, ठीक है। जीरो कंजप्शन में आपको क्या क्या चेक करना है, ठीक है। आपके पास एक डेड फोन आया, आपने क्या है उसको चेक किया डीसी से लगा के, और पावर की प्रेस किया, कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं, डीसी रीडिंग एकदम 0000 है, ठीक है। तो अब क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आपको चेक करना है वो है आपका एक नंबर पे, अगर मैं बात करूं, मैं यहां से लिखूंगा, तो अगर मैं एक नंबर की बात करूं यहां से, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 1, आपकी बीपीएच। असल में बीपीएच क्या है, ये बीपीएच वोल्टेज, ठीक है, बीपीएच वोल्टेज। हो सकता है आपकी चार्जिंग आईसी जो बीपीएच बनाती है, ठीक है, सिंगल पावर्स में, तो वो क्या है बीपीएच ना बनाती हो, पावर आईसी को बीपीएच मिलता ही ना हो, जिसकी वजह से क्या है आपकी जो डीसी रीडिंग है वो 0-0 शो कर रही है, ठीक है। बीपीएच वोल्टेज एक मोस्ट इंपोर्टेंट वोल्टेज है, इसको हम डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। ये कितना होता है आपका 3.7 से लेके 4.2 वोल्ट तक होता है ये, ठीक है। कितना होता है ये बीपीएच वोल्टेज, 3.7 से लेके 4.2 तक। ये वोल्टेज अगर स्टेबल होगा तभी आगे बूटिंग का प्रोसेस चालू होगा, वरना क्या है बूटिंग का प्रोसेस चालू नहीं होगा। तो अगर ऐसा फोन आता है तो आपको वन स्टेप में क्या चेक करना है, अपना बीपीएच। सबसे पहले बीपीएच आपकी चार्जिंग आईसी से निकल के पावर आईसी तक इंटर होना चाहिए, ठीक है। ये पहली चीज चेक करनी है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आपकी पावर की। दो नंबर पे है आपका पावर की, पावर की। दूसरे नंबर पे है आपका पावर की बटन। हो सकता है आपके पावर की बटन के अंदर, हो सकता है आपके पावर की बटन की जो लाइन है, पूरी लाइन, इस लाइन के अंदर के कंपोनेंट कोई निकल गए हो, लाइन ओपन हो गई हो, जिसकी वजह से आईसी को ऑन करने के लिए शॉर्टेज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। पावर की बटन दब ही नहीं पा रहा है, तो आपको क्या है दूसरे नंबर पे अपना पावर की बटन को चेक करना है, ठीक है। इस पावर की बटन पर आपको 1.8 वोल्ट से लेके 1.8 वोल्ट से लेके पावर की बटन पर 4.2 वोल्ट तक कितना
अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से रहता है, कॉलकॉम में अलग, मीडियाटेक में अलग, स्पाइडरम में अलग, बहरे यार कोई सा भी फोन हुआ एक्स बाई जेड, पावर की बटन पर आपको 1.8 से लेके 4.2 के बीच में वोल्टेज मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलता तो आप लाइन को चेक करेंगे, लाइन में लगे हुए कंपोनेंट चेक करेंगे, सारे के सारे हो सकता है लाइन कहीं से डैमेज हो, कट गई हो, ये क्या है दूसरी स्टेप है, ठीक है। वन स्टेप में बीपीएच चेक करेंगे, पावर आईसी के अंदर तक इंटर करनी चाहिए। टू स्टेप में अपने क्या है पावर की बटन का वोल्टेज चेक करेंगे, मैंने यहां लिख दिया है कितना वोल्टेज रहता है क्या रहता है, ठीक है टू स्टेप में। और इसका पूरा चेक करेंगे, लाइन को कहीं से कट तो नहीं गई है, हम पूरा डिटेल में क्लासेस कराते हैं, उसमें सारा पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं, पूरा फुल डिटेल चलता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ भी, मैं कोशिश करता हूँ अपने सब्सक्राइबर को भी कुछ ना कुछ नॉलेज फ्री में देता रहूं, ओके। तो एडवांस सीखना चाहते हैं तो अपनी बुकिंग करा लें। तो ये दूसरी स्टेप हो गई, ठीक है, ये दूसरी स्टेप है। अब तीसरी स्टेप, मेरा बीपीएच भी ओके है, मेरा पावर की पे वोल्टेज भी आ रहा है, पावर की बटन पे क्या है वोल्टेज भी आ रहा है, तीसरी स्टेप क्या है, दो चेक कर लिया आपने ओके है। तीसरी स्टेप में बक वोल्टेज चेक करने हैं, क्या चेक करना है बक वोल्टेज। हमारी पावर आईसी चार तरह के वोल्टेज बनाती है, कोई सी भी पावर हुई चार तरह के वोल्टेज बनाती है, ठीक है, बक वोल्टेज, एलडीओ वोल्टेज, स्लीप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक। इन पे फुल डिटेल में हम बूट सिक्वेंस जब पढ़ते हैं, डैड फोन का चैप्टर जब पढ़ते हैं, तो फुल डिटेल में मैं क्या है इसको अपने क्लासेस में इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। फिलहाल यहां समझ लीजिएगा बक वोल्टेज चेक करने हैं। अब बक वोल्ट क्या है पूरा आपको फुल डिटेल चाहिए तो इसके लिए आपको क्लास में आना पड़ेगा, यहां पे मैं इतना कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। बक वोल्टेज चेक करने हैं आपको, बक क्वाइल्स जो लगी रहती हैं पावर आईसी की साइड से, तो क्या है आपको वहां पे अपने बक वोल्टेज को चेक करना है। हो सकता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं BUCK बक, बक वोल्टेज, ये बक वोल्टेज आपको चेक करने हैं, ठीक है। वोल्टेज, ये बक वोल्टेज आपको कई कंडीशन में मिल सकते हैं, ये तीन कंडीशन में मिल सकते हैं। नंबर एक, या तो ये वोल्टेज मिलेंगे इसमें फ्लक्चुएशन होगा, फ्लक्चुएशन भी दो तरह का होता है, हाई और लो, तो वो अलग डिटेल है, वो अलग मैं पढ़ाता हूँ सारा का सारा। और एक ये कंडीशन होगी बक वोल्टेज मिलेगा, एक होगी या तो नहीं मिलेगा या फिर स्टेबल कंडीशन में मिलेगा, मतलब तीन कंडीशन, बक मिलेगा या इसमें फ्लक्चुएशन होगा, बक मिलेगा स्टेबल कंडीशन में, बक मिलेगा वो सॉरी बक मिलेगा ही नहीं, तीन कंडीशन हो गई। तो ये तीन कंडीशन में मिल सकता है, तो इस पे आगे बहुत लंबी डिटेल है बक वोल्टेज पे, तो वो आगे क्लासेस में हम एक्सप्लेन कराते हैं और यूट्यूब पे भी आपको देते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो जुड़े रहिएगा, हो सकता है आगे आपको यही बता दूं, ठीक है। क्लास में तो पढ़ाता ही हूं सारा डिटेल में। तो फिलहाल बक वोल्टेज चेक करने हैं, हो सकता है ये बक लाइन शॉर्ट हो सकता है फोन गिरने की वजह से शोल्डर ड्राई हो गया हो सकता है बक क्वाइल ओपन हो गई हो, कोई भी इश्यू हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्या है बक चेक करनी है अपनी। अब बक वोल्टेज की बात करें तो बक क्वाइल्स पे मोस्टली अगर हम बात करें तो कुछ क्वाइल्स पे तो वोल्टेज बनता नहीं है, मीडियाटेक में अलग है, कॉलकॉम में अलग है, वो बूट सिक्वेंस का मामला है, वो अलग बताते हैं। बूट सिक्वेंस में आप देखेंगे किन क्वाइल पे बनेगा, किन में नहीं बनेगा, मॉडम पे कहां बनेगा, ठीक है, और एपीटी पे कहां बनेगा, बीप्रॉक पे कहां बनेगा, वो अलग चीजें हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ आपको तीसरी स्टेप में बक वोल्टेज चेक करने हैं, जो कि आपके रहते हैं मोस्टली अगर मैं बात करूं तो 0.7 या 0.8 या 0.9, मतलब इतना ही रहता है ये बक वोल्टेज, 0.7 या 8 या 9, मतलब एक वोल्ट तक बहुत मुश्किल से बक वोल्टेज क्या है पहुंचते हैं, क्योंकि हमारे सीपीयू को एम्पियर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और वोल्टेज की कम, इसलिए क्या है बक लाइंस पे कम वोल्टेज बनते हैं। तो तीसरी स्टेप में आपको क्या है बक वोल्टेज चेक करने हैं, अगर बक लाइन आपकी मिसिंग हुई, कट गई या क्वाइल ओपन हो गई, शोल्डर ड्राई हो गया, तो आपकी डीसी मशीन पे पावर की प्रेस करने पर भी 0.00 एम्पियर कंजक्शन मिलेगा, आपको ये प्रॉब्लम देखने मिल सकती है बक लाइन के कारण भी, बक लाइन के कारण भी, ठीक है। तीन बातें हो गई, एक और बता दूं चौथा कारण हो सकता है सीपीयू, चौथा कारण क्या हो सकता है सीपीयू, हो सकता है फोन गिर गया हो, पटकी लग गई हो, जिसकी वजह से सीपीयू का शोल्डर ड्राई हो गया हो, बॉल्स का शोल्डर ड्राई हो गया हो,
जिसकी वजह से सीपीयू का पावर के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता हो, ठीक है, रीसेट की लाइन वगैरह ये सही वॉचडॉग वहां से ना मिल पाता हो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो एक सीपीयू का भी फॉल्ट हो सकता है, इतना समझ लीजिएगा आप, सीपीयू का भी फॉल्ट हो सकता है। सीपीयू के शोल्डर ड्राई होने की वजह से, बॉल्स उखड़ जाने की वजह से, सीपीयू फोन पटकी लग के सीपीयू में अदर प्रॉब्लम्स आ जाने की वजह से भी क्या है आपका 0-0 कंजेशन हो सकता है। एक चीज और बता देता हूं यहाँ पे, हालांकि ये बहुत कम होती है लेकिन फिलहाल बता देता हूं, वो है आपका आरटीसी मतलब रियल टाइम क्लॉक। रियल टाइम क्लॉक मतलब आपका पावर आईसी के पास में लगा हुआ एक क्रिस्टल जिसका काम होता है बेसबैंड क्लॉक और स्लीप क्लॉक के बनने और पहुंचाने में सीपीयू तक हेल्प करने का, ठीक है। तो एक आपके क्रिस्टल का भी फॉल्ट हो सकता है। बहरहाल मैंने आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया है, मुफ्त में बहुत कुछ बताया है, अब इस पे बहुत सारी डिटेल है, इन पे क्या है एक एक सिर्फ एक ही बीपीएच के ऊपर या पावर की के ऊपर या बक वोल्टेज के ऊपर या सीपीयू के ऊपर या फिर आरटीसी के ऊपर, अगर इन पे सिर्फ एक ही पे मैं आपको क्लास कराऊं तो कम से कम एक घंटा सिर्फ एक ही पे निकल जाएगा, एक घंटा सिर्फ एक ही पे निकल जाएगा। फिलहाल के लिए कुछ चीजें थी, अगर आपके पास डैड फोन आता है डीसी में आप लगाते हैं, पावर की प्रेस करने पर 0-0 कंजप्शन होता है, तो आप क्या है इन चीजों को चेक कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अगर एडवांस सीखना चाहते हो, अपनी जिंदगी को संभालना चाहते हो और फ्रॉड और चोरों से बचना चाहते हो तो एक बार हमसे ज्वाइन हो जाइए और कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और फीस की टेंशन मत लीजिएगा, मैं तो आपसे कहता हूं एडमिशन लीजिए, अच्छा लगे बढ़िया लगे तो फीस दीजिएगा, ना लगे तो फीस मत दीजिएगा। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए।